वेलकम टू अंजना थानकीज किचन। हाय मॉम। हाय। आज क्या बनने वाला है? आज बनने वाला है चाशनी का रीयूज करके, जो बनी हुई चाशनी घर में होती है ना, हाँ जी, उसका रीयूज करके हम एक शरबत बनाने वाले हैं। ओके। उसके लिए मैंने यहाँ पे इमली को भिगो दिया था, हाँ जी, और उबाल के रेडी रखा है। और ये अपने पास जो आइस गोला बनाया था ना, उसकी चाशनी है, हाँ जी, तो इसी में से हम अभी एक शरबत बनाएंगे। ओके। हाँ मॉम, तो अभी क्या हो रहा है? अभी जो चाशनी हमारे पास बची हुई थी वो मैंने ले ली है, और इसमें इमली का पल्प है उसे छान के इसमें डाल दिया है। अच्छा, ओके। हाँ, तो 200 ग्राम इमली का पल्प था, उसका पानी जो जितना मतलब डूबे उतना पानी डाला था जी, और इसका अभी पल्प इसमें डाल दिया है। हाँ जी। 100 ग्राम शुगर का वो था चाशनी। हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास कलरफुल चाशनी हो, हाँ, कोई भी चाशनी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी गुड़। ओके। हाँ, ये गुड़ और शक्कर मिला के जो शरबत बनेगा ना, वो लाजवाब शरबत बनने वाला है। ओके। फिर डालेंगे 1 मीडियम चम्मच भर के ब्लैक सॉल्ट, यानी कि गुजराती में बोलते हैं इसे संचर। 1 चम्मच चाट मसाला। वाओ, एकदम चटपटा, एकदम टैंगी, खट्टा मीठा होने वाला है। हाँ जी। 1 चम्मच भर के जीरा। वाओ, आप जीरा के बदले भुना हुआ जीरा का पाउडर भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जीरा डाला है। और इसे अच्छी तरह से उबालेंगे बीच बीच में चलाते हुए। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके। अच्छी तरह से उबल चुका है, देखिए यहाँ तक था, यहाँ तक हो चुका है। यस। इसी टाइम पे अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ओके। और फिर इसे छान लेंगे। हाँ मम, तो इधर क्या हो रहा है अभी? बस अभी ये सब छान के रेडी है अपना शरबत। अभी इसे सर्व कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अब हम इसमें कुछ आइस क्यूब डालेंगे। ओके। क्योंकि ये ठंडा ठंडा कूल कूल ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ। 1 चम्मच भर के ये बनाया हुआ शरबत। हाँ, तो ये कॉन्सेंट्रेट हो गया। हाँ, अभी इसको डाइल्यूट करेंगे। अभी देर सारा पानी, एकदम ठंडा ठंडा पानी। यस। तो रेडी हो चुका है अपना शरबत, और बाकी का जो बचा हुआ है उसे आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 3-4 महीने तक, फ्रिज में रख के। हाँ, फ्रिज में रखो और जब भी मन करे आप पी सकते हैं। यस, स्पेशली समर्स भी आ रहे हैं तो एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल बहुत ही बढ़िया लगे। और इसे अब जब आप टेस्ट करेंगे ना, तभी आप वो जीरा शरबत, क्या जल जीरा या रिम जिम होता है वो, उसको भूल ही जाएंगे। एकदम एग्जैक्ट डिट्टो वैसा बनाया ये। हाँ जी। और ये जो है इमली का बीज, उसे मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर खाऊंगी। वाह, कुछ वेस्ट नहीं होना। हाँ जी, कोई भी चीज़ को जाने नहीं देना है, चाहे आप इसे कंजूसी कहो या फिर इसे आप करकसर कहो। यस। पर जब तक हो सके कोई भी चीज़ को जाने नहीं देने का, और इस तरह से बना के पीते रहो, खाते रहो, एंजॉय करो अंजना थानकीज किचन को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। यस। थैंक यू।